व्यूज ओज हम जोजफ़ कदीर एंड यूर वॉचिंग जोजफ एजुकेर आज एक नई वीडियो के साथ क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री अटोमिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट इस चैप्टर में से हमने पहले भी दो मॉडल्स ऐसे पढ़े जिसमें से जे जे थॉम्सन मॉडल दैट इज़ कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल एंड अदर मॉडल फॉर द अटामिक स्ट्रक्चर वी हैव स्टडीड रदर फोर्ड्स अटोमिक मॉडल सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल रदर फोर्ड्स अटोमिक मॉडल डिफेक्ट्स रदर फोर्ड प्रोवोक आइडियाज among scientists about the structure of atom. And also there were many questions about the Rutherfords atomic model as well as structure of atom. Scientists said, if Rutherford's model is correct, then how can an atom collapse or why an atom is a stable structure? Another question, why does an atom give line spectrum? If an atom is continuously emitting energy or leasing energy, अल्टीमेटली इट विल फॉल इन टू द न्यूक्लियस एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम विल भी कोलैप्सड लेकिन ऐटम एग्जिस्ट करता था एटम कोलैप्स नहीं करता था यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ऐटम जो है वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की और कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम की इन दोनों में डिफ्रेंस क्या है सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कॉन्टीन्यूसपेक्ट क्योंकि लगातार अगर लाइन हासिल हो जिसमें एनर्जी लोअर एंड लोअर एंड लोअर एंड ऑल एट द एंड इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग इन द न्यूक्लियस तब हम कहेंगे ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम है इफ इट इज़ जंपिंग फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट तो यहां से जंप करेगा यहां तक आएगा और यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज वैल्यू ऑफ डेल्टा इज़ पॉजिटिव देन यहाँ से अगर यहाँ पे यानी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है तब वो एनर्जी को रिलीज़ करता है तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम हासिल होना चाहिए इतनी सी लाइन जब किसी एटम को हम किसी स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं जिसमें हम एटम्स को तो नहीं देख सकते लेकिन उनसे रिलीज होने वाली एनर्जी को हम डिटेक्ट कर ले तो जो एनर्जी यहां पे डिटेक्ट होती है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम की शक्ल में डिटेक्ट होती है तो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों शो करता था एटम तो so स्टूडेंट्स इसके लिए बोहर सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ सो दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट फॉर एग्जाम्पल here three orbits are present orbit k orbit l and m and so on he named these orbits as klm now he says an electron is not emitting or absorbing energy until it is revolving in the same orbit means agar ek electron is orbit ke andar revolve kar raha hai तो वो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी को इवॉल्व करता है या एमिट करता है जब तक कि वो इसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है अब एनर्जी चेंजेस यहां पे होती कैसे हैं फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल एम के अंदर मौजूद है इट इज जम्पिंग फ्रॉम एम टू एल इन दिस केस वैन इट इज़ जम्पिंग फ्राम एम टू एल मीन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जम्प कर रहा है स्टूडेंट्स से एक दफा ये भी बता दूँ कि एनर्जी लेवल्स यहाँ पे क्या हैं स्टार्टिंग फ्राम द न्यूक्स टू द आउटसाइड दिस वन इज़ द फर्स्ट एनर्जी लेवल सेकेंड एंड थर्ड एनर्जी लेवल ये सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है ये उससे ज़्यादा हाइस्ट और ये सबसे हाइस्ट अनर्जी लेवल एकॉर्डिंग टू द गिन एग्जाम्पल सो वेन एवर इलेक्ट्रॉन इज़ जम्पिंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल तो यहां पर डेल्टा ई नेगेटिव होगा मीन्स इनर्जी यहां पे बाहर निकलेगी बिकॉज ऑलवेज जहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है उसको हम ई वन का नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी लेवल वन और जहां तक वो जंप करके आता है उसको आप ई टू का नाम देंगे सेम इन द सेकेंड केस कि तब क्या होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करे और यहां पे आए यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिट या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल ई वन स्टार्टिंग जहाँ से जंप करता है इलेक्ट्रॉन उसको हम ई वन कहते हैं एनर्जी लेवल वन एंड ई टू एनर्जी लेवल टू सो लेट्स डिस्कस कि कब एनर्जी एमिट होती है और कब एब्जॉर्ब होती है इन फर्स्ट केस फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी तो यहाँ पे एनर्जी एमिट होगी यानी एनर्जी निकलेगी और इस केस में E2 हमेशा कम होगा E1 ज़्यादा होगा एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू एच वी तो सबसे पहले हम इसको डिस्क कर लेते हैं E2. E2 टू इज एनर्जी लेवल टू एंड एनर्जी लेवल वन और यहाँ पे नेगेटिव होगी वैल्यू डेल्टा ई e की वाई इट्स नेगेटिव बिकॉज ई टू इज स्मॉलर एंड ई वन इज ग्रेटर ई वन ग्रेटर है अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी इसमें से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा इज इक्वल टू एच वी एंड सेकेंड केस एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जम्प करेगा Delta E will be positive is equal to E2 minus E1 is equal to HV. Now students, what is HV? Hai H is called Planck's constant. Max Planck quantum theory. H, it has a constant value 6.63 into 10 raised power negative 34 joules second. And V is the frequency of light. Frequency of different lights is different. विजिबल लाइट की फ्रिक्वेंसी और है इनविजिबल की और है आगे फिर इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं उनकी और है स्टूडेंट्स एन इज़ द क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर मीन नंबर विच इज़ गिवन टू द दर्बिट फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर के एन इज़ ईक टू वन फॉर एल एन इज़ इक्ल टू टू फॉर एम एन इज़ इक्ल टू थ्री क्वांटम नंबर की भी बहुत सी टाइप्स हैं यहाँ पर जो क्वांटम नंबर जिसको डिस्कस किया जा रहा है दीज क्वांटम नंबर्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नौ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी एब्जॉर्ब कब होगी एब्जॉर्ब तब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में एनर्जी एमिट कब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में तो स्टूडेंट्स इसके बाद बोहर ने यह कहा के मोमेंटम भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरीज द मैथ अगर इसका मैथ है चाहे वो जितना भी कम क्यों नहीं है उसका मैथ तो है यूजली इन फिजिक्स वी कॉल्ड दैट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैथ एंड वेलोसिटी। सो मैथ इज रिप्रेजेंटेड हेयर बाय स्मॉलर एम एंड वी बाय स्मॉलर वी मीन विलॉसटी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर कैन बी कैलकुलेट एम वी आर यूजली हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मूव कर रही है, लीनियर मीन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है उसका मोमेंटम हम एम वी से फाइंड आउट करते हैं लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है. एंड ड्यू टू इट्स सर्कुलर मोशन इसका एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू एम वी आर वेयर एम इज द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वी इज द ऑलरेडी यू नो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड आर इज द रेडियस सो एन एच बाय टू पाए एन इज इक्वल टू क्वांटम नंबर्स वन टू थ्री एंड सो ऑन एच इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन इज पावर नेगेटिव थर्टी फोर एंड पाई इज़ इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर टू इस तरह से जितने भी यहाँ पे ऑर्बिट्स मौजूद हैं शेल्स मौजूद हैं अकॉर्डिंगली उसके लिहाज से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा डिफरेंट रेडियस फॉर शेल के रेडियस विल बी आर वन फर शेल एल रेडियस विल बी आर टू एंड फार शेल एम रेडियस विल बी आर थ्री लेकिन यहां पर इंटेग्रल वैल्यू यूज़ की गई है इंटैगरल वैल्यू रेडियस के लिए इंटेग्रल वैल्यू इज़ एच बाय टू एच बाय टू इज़ द इंटैग्रल वैल्यू फॉर आर तो इस इंटेगरल वैल्यू को हम यूज़ करते हुए मोमेंटम जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो के चाहे R1 में हो R2 में या R3 में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन वर्ड क्वांटम इज़ यूज हेयर क्वांटम मीन्स फिक्सड एनर्जी इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिट और एब्जॉर्ब्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यानी एक इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करता है हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक या लोअर से हाई में तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब या एमिट करता है उसको हम कहते हैं क्वांटम और एक इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज होता है क्वांटाइज मीन इट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी फिक्स्ड एनर्जी अंटिल एंड अपटिल इट इज रिवॉल्विंग इट विल नॉट एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी नो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रदर फोर्ड्स मॉडल एंड बोहर्स मॉडल रदर फोर्ड्स एंड बोहर्स थ्योरी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द थ्योरीज नंबर वन रदर फोर्ड्स थ्यूरी वॉज बेस्ड on classical theory and bohr's theory as i have already told you in the beginning of this lecture that it was based on quantum theory max planck's quantum theory number 2 electron revolve around the nucleus and it this idea was not given by rutherford that where they are revolving but according to bohr electrons revolve around the nucleus in orbit of fixed momentum or fixed energy and no idea about orbits was given here but orbit have angular momentum atoms produce continuous spectrum but according to bohr atoms produce line spectrum atom should collapse and atom should sustain or it should exist here both theories were very important theories द कॉन्ट्रीब्यूटेड अलाट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन दो थ्योरीज को समझने के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा तो हो गया कि यहाँ पर जो बेसिक पार्टिकल्स हैं एटम के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वो कहाँ पे पाए जाते हैं अब इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में श्योरिटी होने के बाद फिर ये जानने की कोशिश की गई कि अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट के अंदर या शेल के अंदर रिवॉल्व करते हैं तो उनके अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में रिवॉल्व करते हैं तो हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन के शेल हाउ हॉमनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट हाउ हॉमनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकामोडेटेड इन एल शेल हाउ हॉमनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकामोडेटेड इन एम शेल्स हॉमनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकामोडेटेड सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट The electronic configuration of electrons. Stay blessed.